दीवाना ग्रुप काफ़ी सारे सपने लेकर भी आए हैं, काफ़ी उम्मीदें लेकर आए हैं, कुछ अच्छा होगा। सब ने मेहनत करी है, उसका सिला अल्लाह ज़रूर देगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। आप लोग में से कितने लोग रिकॉर्डिंग कर चुके हैं पहले? एक भी नहीं। क्या आप बोल रहे हैं? आप स्टूडियो में कभी नहीं आपने रिकॉर्डिंग किया कुछ भी? कभी। फर्स्ट टाइम है सर। मुबारक हो आप सबको एक साथ। इतनी बड़ी खुशनसीबी है कि जहाँ पर आप जैसे सिंगर गाते हैं वहाँ पे हमें आज पहली बार मौका मिला। कलाकारों की तो एक अपनी फैमिली होती है और आप भी उसी फैमिली का हिस्सा है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आपको यहाँ पे आने का मौका मिला है और अब आप अच्छा से गाएंगे। के पैमाने पैमाने कारिया हो जिंदा वे मैं खाने कारिया हो के ना कर साकी अरिया वरिया पीनी है पीनी पीनी है ना कर साकी अरिया वरिया पीनी है पीनी पीनी है और देख ले वाली मर्दिया जीनी जीनी है जीनी जीनी है हमका पीनी है पीनी है हमका पीनी है बहुत बढ़िया वेरी गुड। जजेस बस जवाब ही नहीं होगा। ऐसे सिंगर्स आएंगे ना तो एक्सपेक्टर में फिर इनको जब तराश तराश के मांझा जाएगा ना उसके बाद एक के बाद ऐसे खेलेंगे। सोनू निगम जी की बात पर जैसे माँ सरस्वती ने तथास्तु कह दिया और बारिश हुई उन सिंगर्स की जिनसे चमक उठेगा एक्स फैक्टर। वेरी गुड। बूट कैंप का दूसरा राउंड भी अब खत्म हो चुका है और अब वक्त है रिजल्ट्स का। याद रहे ये आखिरी बार हमारे तीनों जजेस एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, यही चुनेंगे हमारे टॉप 24 सिंगर्स। लेकिन उसके बाद तीनों जजेस अपनी अपनी कैटेगरीज को लेकर मैदान में उतरेंगे एक दूसरे के आमने सामने। बाहर परफॉर्मर्स अपनी किस्मत जानने के लिए बेचैन हो रहे थे और अंदर सोनू जी, श्रेया जी और संजय जी की सोच और गहरी होती जा रही थी। लेकिन काफी देर की सोच विचार के बाद आखिर टॉप 26 को चुन लिया। सत्य वचन की खड़ी। कुछ नाम पढ़ेंगे, मैं, श्रेया और संजय जी, वो नाम कृपया खड़े हो जाएं। अमृता पांडे, गीतेश अय्यर, फकीरा ग्रुप, मंजीरा गांगुली, विशाल श्रीवास्तव, मोना शेवडे, और प्रितेश। जो लोग बैठे हैं आप सबको मुबारक हो कि आप लोग एक्स फैक्टर में यहां तक पहुंचे। क्योंकि आप लोग इसके आगे हमारे साथ गोवा में
नहीं जा रहे, जो खड़े हैं वो जा रहे हैं गोवा। आंखों के पर्दों पे प्यारा सा जो था वो नजारा, धुआं सा बन कर उड़ गया अब ना रहा। मैंने एक भी बार लिरिक्स नहीं भूली आज, चल मैं लेट हो गई हूँ इस बात का, मुझे थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत बुरा लगा। पापा का जो सपना था, मम्मी का सपना था, फैमिली का मेरी सपना था, जो वो पूरा नहीं हुआ। गलतियाँ करी, एक्सेप्टेड, कोई इसमें फॉल्ट किसी जज का नहीं है, किसका नहीं, मेरा ही फॉल्ट। हाथ पैर कांप रहे हैं, जिंदगी में पहली बार हो रहा है मेरे साथ। अब मंजिल दिख रही है मुझे, बहुत खुशी है। लग रहा है कि बस सोनू जी की टीम में सिलेक्ट हो जाएगी। मुश्किलों को पार कर, चुनौतियों को जीत कर, अड़चनों को मात देकर जो आगे बढ़ गए, ये कहानी उनकी है, जिनकी अगली मंजिल है एक्स फैक्टर के टॉप 12 में पहुंचना। दो दिन के रोमांचक म्यूजिक सेशंस के बाद हमें मिल चुके हैं हमारे टॉप 26 परफॉर्मर्स, लेकिन आजमाइश अभी बाकी है मेरे दोस्तों। कल गोवा में हमारे जजेस चुनेंगे वो 12 एक्स जिनमें होगा सबसे ज्यादा एक्स फैक्टर। हम हैं गोवा में, जो है हमारे तीनों जजेस का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। जहाँ एक तरफ जजेस उत्सुक हैं कि उन्हें कौन सी कैटेगरी मिलेगी, आई थिंक अबव 25 और ग्रुप, ये दोनों में से मुझे जो भी मिलेगा खुश हूँ। सरप्राइज है मेरे लिए, मुझे मालूम नहीं मेरे लिए पहली बार तो कौन सा ग्रुप है। मुझे अगर ग्रुप्स मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होगा। वहीं दूसरी तरफ गोवा पहुँचते ही हमारे टॉप 26 परफॉर्मर्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं। और गोवा है तो मौज और मस्ती तो बनता है। इट वॉज एब्सोल्युटली ऑसम, इतना सरप्राइज दिया गया हमको। इधर तक नजर डालता हूँ उधर तक समंदर ही समंदर है, अपनी तो किस्मत खुल गई। और शायद ये जानते नहीं थे कि कल का दिन इनकी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आएगा। कल रात को सस्पेंस से पर्दा उठेगा कि सोनू जी, संजय जी और श्रेया जी बनेंगे किस कैटेगरी के मेंटर, और ये किन 12 को चुनेंगे बतौर एक्स फैक्टर फाइनलिस्ट्स।